नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मुंह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। 3रे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता और वे भटकती रहती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मृत्यु के बाद दिवंगतों के निमित्त क्यों रखा जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और हास्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नर्क, गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सदगति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सदगति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीति सार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूल कर प्रभु मार्ग पर चलकर सदगति प्राप्त कर या तो पितरलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।